हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जिस हेल्पिंग वर्ब का या लिंकिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं वो है आर। आर का यूज़ हम जो यूज़ करते हैं वो होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें बोलना हो कि आप हैं तो हम बोलेंगे यू आर, हम बोलेंगे हम लोग हैं तो बोलेंगे वी आर, हमें बोलना वे लोग हैं तो हम बोलेंगे दे आर, अगर हमें बोलना लड़के हैं तो हम बोलेंगे बॉयज आर, हमें बोलना लड़कियाँ हैं तो हम बोलेंगे गर्ल्स आर, हमें बोलना नेता है तो बोलेंगे लीडर्स आर। अगर हमें आर का यूज़ करना है तो वो हमें प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ करना है अर्थ के लिए। अगर इसे हम सेंटेंस के रूप में बोलते हैं तो बोल सकते हैं। सेंटेंस कैसे बोलेंगे, जैसे आप एक टीचर हैं, यू आर अ टीचर, हम लोग दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स, वे लोग खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स, लड़के अच्छे हैं, बॉयज आर गुड, लड़कियाँ कॉलेज में हैं, गर्ल्स आर इन कॉलेज। इस तरह से सेंटेंस हम आर से बोल सकते हैं। अगर हम इसे नेगेटिव करना चाहें तो नेगेटिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप मेरे साथ नहीं हैं, यू आर नॉट विथ मी, हम लोग किसी के साथ नहीं हैं, वी आर नॉट विथ एनीवन, वे लोग किसी के खिलाफ नहीं हैं, दे आर नॉट अगेंस्ट एनीवन, लड़के मेरे साथ हैं, बॉयज आर विथ मी, लड़कियाँ कॉलेज में नहीं हैं, गर्ल्स आर नॉट इन कॉलेज, हम लोग वहाँ नहीं हैं, वी आर नॉट देयर, मेरे दोस्त पार्टी में नहीं हैं, माई फ्रेंड्स आर नॉट इन पार्टी, नेता प्रोग्राम में नहीं है, लीडर्स आर नॉट इन प्रोग्राम, वे लोग आपके साथ नहीं हैं, दे आर नॉट विथ यू। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें इसे इंटरोगेटिव में बोलना है तो हम आर को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, जैसे क्या आप हैं, आर यू, क्या हम लोग हैं, आर वी, क्या वे लोग हैं, आर दे, क्या लड़के हैं, आर बॉयज, क्या लड़कियां हैं, आर गर्ल्स। फॉर एग्जांपल, आर यू टीचर, क्या आप टीचर हैं, आर यू डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर हैं, आर वी देयर, क्या हम लोग वहाँ हैं, आर दे गुड, क्या वे लोग अच्छे हैं। तो इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। गुड बाय, टिल वी मीट अगेन।